सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10th की कविता कन्यादान पढ़ाऊंगी। आज की कविता का शीर्षक है कन्यादान, जिसकी कवि ऋतुराज है। ऋतुराज जी का जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में सन 1940 में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की उपाधि ग्रहण किए। तो बच्चों, इस कविता में ऋतुराज जी ने माँ और बेटी के बीच होने वाली घटनाओं का वर्णन किया है। इस कविता में ऋतुराज जी ने कन्यादान के एक रस्म के बारे में बताया है कि उस रस्म के वक्त माँ अपनी बच्ची को, बेटी को क्या क्या शिक्षा दे रही है और क्या सिख दे रही है, और कन्यादान करते वक्त माँ की दिल की जो हालत होती है और जो दुख होता है, और उसका भी चित्रण कवि ने किया है। कन्यादान एक रस्म है जो सदियों से चली आ रही है। इस रस्म के तहत माँ बाप अपनी बेटी को उसके वर के हाथ में सौंप देते हैं और उसको बोलते हैं कन्यादान, कन्यादान। तो अब चलिए बच्चों, आज का कविता शुरू करते हैं। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जिसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ एक माँ के बारे में बताया गया है कि जब वो अपनी बेटी को किसी और को दान कर देती है, जब वह अपनी ससुराल जाने लगती है, तो उसका जब कन्या दान करती है माँ, तो उसको कितना दुख होता है, तो वो दुख कितना प्रमाणिक होता है। प्रमाणिक का शाब्दिक अर्थ होता है वास्तविक, सच्चाई। बेटी जो होती है वह माँ का सबसे निकट होती है तथा दुख सुख के साथी होती है। जब वो उसे दान में देती है तो उसे लगता है जैसे वही उसकी आखिरी पूंजी है, अंतिम पूंजी। जब उसकी हाथ से चली जाती है या कोई ले जाता है तो हमें कितना दुख होता है। वही दुख एक माँ को बेटी को विदा करते वक्त होता है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का तो आभास होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लेबत पंक्तियों की। यहाँ कभी बता रहे हैं कि लड़की जब वो शादी कर रहे थे, माँ बाप उसकी कन्यादान कर रहे थे, उस वक्त इतनी सयानी नहीं थी, मतलब इतनी समझदार नहीं थी, इतनी दुनियादारी की समझ नहीं थी। वो शारीरिक रूप से इतनी बड़ी हो गई थी लेकिन उसको दुनियादारी का कोई समझ नहीं था। अभी इतनी भोली सरल थी, भोली सरल का मतलब है कि अभी उसको इतना ज्ञान नहीं था कि कोई मुसीबत या कोई दुख आता है तो क्या करना चाहिए। वो अभी इतनी भोली थी कि उसे अनुभव नहीं था, अनुभव की उसकी जीवन में बहुत कमी थी, कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। इसका मतलब है कि उसे अभी तक उसे सुख ही सुख मिले थे। उसके मायके में तो उसे सुख का एहसास तो था मगर दुख बांचना नहीं आता था। मतलब अगर उस पर कोई दुख आए, अगर दुखों का कोई टाइम आए तो उसको उससे बाहर निकलना नहीं आता था। उसको उसका अनुभव नहीं था कि उस दुख से कैसे बाहर आए, दुख के वक्त उसे क्या करना चाहिए। यहाँ बांचना का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना,
लेकिन हम पढ़ना नहीं लेंगे। यहाँ पर लेंगे कि दुखों से बाहर कैसे निकल पाए। उसको इस बात का अनुभव नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। धुंधले प्रकाश में हमें कुछ कुछ दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार उसको भी कोई थोड़ा बहुत ही ज्ञान था कि वो दुख के वक्त क्या करेगी। वो कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, लयबद्ध पंक्तियों मतलब वह सुनी सुनाई बातों पर ही विश्वास कर लेती थी। वह दुनिया की उतार चढ़ाव से अपरिचित थी। यहाँ धुंधला प्रकाश का अर्थ लेंगे कम ज्ञान होना। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। आग रोटियाँ सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। अब यहाँ पर माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है, सीख दे रही है कि कभी भी अपने चेहरे की सुंदरता के ऊपर मत इतराना। पानी में झांक कर मतलब आईने में देखकर, शीशे में देखकर, अगर तुम सुंदर कपड़े पहन लो, सुंदर गहने पहन लो, तुम अगर सुंदर लग रही हो तो उस वक्त अपनी सुंदरता पर मत इतराना, मत रिझना, क्योंकि सुंदरता तो थोड़ी देर के लिए होती है, नाश्वर होती है। तो सुंदरता के ऊपर नहीं रिझना है। अगर कोई तारीफ करे तो उस पर मत इतराना, मत रिझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब यहाँ माँ दूसरी शिक्षा दे रही है बेटी को कि आग जो होती है वह रसोई घर में रोटियाँ सेकने के लिए, ना कि जलने के लिए। अगर कल को तुम्हारे कोई शोषण करे या तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार करे तो ये नहीं तुम अपने आप को आग के हवाले कर दो, आत्महत्या कर लो। अपने आप को अत्याचारों से खुद ही बचाना है और अपने आप को आत्महत्या जैसे कदम की ओर नहीं ले जाना है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यहाँ माँ तीसरी शिक्षा दे रही है बेटी को कि वस्त्र और आभूषण जो कपड़े नए नए और जो गहने हैं वो जो मिलेंगे शादी के बाद या शादी में, तो वो एक तरह से शाब्दिक भ्रम जैसे हम शब्दों या जाल में उलझ कर रह जाते हैं, वैसे तुम वस्त्र और आभूषण की जाल में उलझ कर मत रह जाना। ये बंधन है स्त्री जीवन की। इनके द्वारा तुम्हें कोई बांधना चाहे और कोई शोषण करना चाहे तो तुम्हें वो नहीं करवाना है। इन वस्त्र और आभूषणों के लालच में नहीं पड़ना है और शोषण नहीं करवाना है। तुम्हें अपने आप में हो रहे अत्याचार की आवाज़ उठानी है और इन वस्त्र और आभूषणों के लालच में नहीं आना है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ माँ अपनी बेटी को फिर एक चौथी शिक्षा दे रही है कि लड़की तो होना मतलब एक लड़की की जो स्वाभाविक गुण है वो तो अपने अंदर रखना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब कि लोग जो जवाना है वह बहुत बुरा है, तो उनको या ना लगे कि तुम कमज़ोर हो, क्योंकि लड़की को ज़्यादातर लोगों के मन में यही छवि बैठी है कि लड़की कमज़ोर है तो इसका शोषण कर लो। तो लड़की जैसा दिखाई मत देना, मतलब कि जो लोग शोषण करना चाहते हैं उनके सामने तुम्हें अपनी आवाज़ उठानी है। लड़की की तरह कमज़ोर नहीं दिखना है और लड़की की जो गुण है, स्वाभाविक है, सरलता है, वो उनके सामने नहीं दिखाना है। तो बच्चों, आज का कविता आपको कैसा लगा?
आशा करती हूँ अच्छा ही लगा होगा। तो बच्चों, आज का प्रश्न है, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सिख दी। धन्यवाद।